नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की असलियत और हकीकत दरअसल ये है कि जो मुलजिम हैं वही दरअसल जज बन गए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अयोध्या में 500 वर्षों की तपस्या, 500 वर्षों का संघर्ष उस वक्त जीत गया जिस वक्त राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। राम मंदिर में भव्य धार्मिक नगरी बनने की तैयारियां की गई। कहा गया कि अयोध्या को आने वाले 10 साल के भीतर वेटिकन सिटी जैसा बना दिया जाएगा, मतलब विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी अयोध्या बनेगी। रामलला विराजमान हो चुके हैं, रामलला का घर भव्य रूप से बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चंदा भी दिया गया, भावनात्मक रूप से इससे लोग जुड़े भी और लोगों ने भर भर के झोली भर भर के चंदा दिया। सरकार ने इसको लेकर अपनी पीठ भी थपथपाई, सरकार ने कहा कि हमने अच्छे तरीके से पैरोकारी की, तब जाकर फैसला जो है हमारे पक्ष में आया और राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। तो सरकार अपनी पीठ थपथपा ही रही थी तब तक विपक्ष भी आया और विपक्ष ने कहा कि आप अपनी पीठ मत थपथपाइए, यह तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ठीक है, यह भी बात ठीक है, लेकिन राम मंदिर बनने की प्रक्रिया अयोध्या का भव्यात्मक दर्शन जब तक शुरू हो पाता, जब तक उस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा था, उससे पहले दर्शकों एक और प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह प्रक्रिया है घोटालेबाजी की। मतलब राम के नाम पर धंधेबाज काम पर। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से लग रही हैं। कागजों में बकायदा एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया गया है कि कहां से कौन अंदर जाएगा, कहां से कौन बाहर आएगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, और सब भव्य है, सब भव्य है और सार्वजनिक तौर पर सबके सामने भी है। लेकिन एक खेल और चल रहा है दर्शकों, वो खेल यह है कि अयोध्या में 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का जो रेडियस है, मतलब अयोध्या में अगर आप खड़े हो जाएं, राम मंदिर जब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके आसपास 20-30 किलोमीटर तक अब जमीन खरीदने का खेल शुरू हो गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ठीक है राम मंदिर बन रहा है, कोई भी जमीन खरीद सकता है, कोई भी जमीन खरीद सकता है, धार्मिक नगरी है, हर कोई स्वतंत्र है जमीन खरीदने के। लेकिन तब क्या हो कि जब आपको पता लगे कि वहां पर जमीन कोई मुकेश नहीं खरीद रहा, कोई सुकेश नहीं खरीद रहा, कोई सुधीर नहीं खरीद रहा, कोई सुमित नहीं खरीद रहा, कोई मान नहीं खरीद रहा, कोई कीर्ति नहीं खरीद रही, या कोई कावेंद्र नहीं खरीद रहा, बल्कि वहां पर जमीन खरीद रहे हैं बाबू, चपरासी, लेखपाल, विधायक, मेयर और उनके रिश्तेदार, मतलब चाचा जमीन खरीद रहे हैं, ताऊ जमीन खरीद रहे हैं, साली जमीन खरीद रही है, साला जमीन खरीद रहा है, मौसी का लड़का जमीन खरीद रहा है, मौसी की लड़की जमीन खरीद रही है, भाभी की बहन जमीन खरीद रही है, भाभी का बहनोई जमीन खरीद रहा है, बहनोई जमीन खरीद रहा है, दीदी जमीन खरीद रही है और जियाजी जमीन खरीद रहे हैं, जियाजी का भाई जमीन खरीद रहा है, दीदी का देवर जमीन खरीद रहा है। अजीब है, मतलब आपको दर्शकों बताऊं, और ये कोई आरोप जो है ये किसी विपक्ष की पार्टी का नहीं है, जैसा पहले एक बार सुनने को आया था कि घोटाला हुआ है चंदे में, ये बड़ा स्वतंत्र आरोप है, एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है भारत का, उसने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है उसको छापा है और उस रिपोर्ट के जरिए, देखिए प्रतिष्ठित अखबार को तो चुनाव लड़ना नहीं है, उसने जो इन्वेस्टिगेशन करी उसके आधार पर रिपोर्ट को छापा, बकायदा नाम छापे और बताया कि 15-20 ऐसे अधिकारी, ऐसे अफसर, ऐसे नेता शामिल हैं जिन्होंने राम मंदिर के आसपास जितना रेडियस में जमीन था सबको खरीद लिया। अब जमीन खरीदी कैसे, तो जमीन सीधी उंगली से तो मिली नहीं, तो उंगली टेढ़ी कर ली, मतलब एक दलित महिला उसकी 21 बीघा जमीन को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से उस ट्रस्ट में लिया और फिर ट्रस्ट में लेकर फिर सबने जमीन खरीदी, खूब बंदर बांट चला। मतलब जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि राम मंदिर इतना भव्य बने कि विश्व में उदाहरण हो, धार्मिक नगरी हो, भारत की संस्कृति का दुनिया भर में बखान हो,
हम वेटिकन सिटी जैसी एक जगह दे सके दुनिया के सामने, तो उन व्यवस्थाओं को देखने का जिम्मा जिनके ऊपर है, उन व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, माने सरकार माने प्रशासन, वो प्रशासन व्यवस्थाओं को देखने की जगह बंदर बांट में लग जाए, तो ऐसे में राम मंदिर जो बन रहा है, जिसके पीछे लोगों का संघर्ष है, जिसके पीछे लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, 500 बरस तक का संघर्ष है, कोई आज का संघर्ष नहीं है, ऐसे में किसे दोष दें, किस पर दोषारोपण करें कि तत्कालीन डीएम अनुज झा साहब के पिताजी ने 28 मई 2020 को जमीन खरीदी अयोध्या के पास उस ट्रस्ट की, कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल के ससुर ने जमीन खरीदी, डीआईजी अयोध्या रहे दीपक कुमार साहब की पत्नी की बहन ने जमीन खरीदी, पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता के साले साहब ने जमीन खरीदी, रिटायर्ड आईएएस रहे कुमाधर द्विवेदी साहब उन्होंने जमीन खरीदी, पूर्व एसडीएम रहे अयोध्या के आयुष चौधरी उनकी चचेरी बहन ने जमीन खरीदी, मेयर ने जमीन खरीदी, लेखपाल ने जमीन खरीदी, कानून गोपेश कारिन सबके रिश्तेदारों ने खूब जमीन खरीदी, क्योंकि सबको पता है कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है, तो सभी ने आपस में ही जमीन खरीद ली। मतलब आप किसको दोष दें, जो मुलजिम है वही तो जज बनकर बैठ गया है, मतलब जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें, भव्य राम मंदिर बनाने में योगदान दें, भव्य राम मंदिर जो बनेगा उसकी व्यवस्थाओं को देखें, अब वही लोग व्यवस्था ना देखकर खुद की व्यवस्था करने बैठ जाएं, तो कैसे चलेगा? यह बड़ा संवेदनशील विषय है, इसीलिए मैंने इस पर चर्चा रखी है। चर्चा में मेरे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, गौरव मिश्रा साहब है प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, अभिमन्यु त्यागी साहब है प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से, और निरंजन पोद्दार साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिमन्यु त्यागी साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपके पास आता हूं। ये कोई आरोप प्रत्यारोप के लिए बहस नहीं रखी गई है, तीनों ही लोग अपनी अपनी जो बातें हैं प्रवचन ना करके वचन के तौर पर रखेंगे और इसको थोड़ा समझेंगे कि राम मंदिर तो गौरव मिश्रा भी चाहते थे कि भव्य रूप से बने, भव्य राम मंदिर बने, और नैतिकता के आधार पर, मतलब सब अच्छा अच्छा रहे, ये घोटाले की खबरें ना आए। हम धार्मिक नगरी देने की बात करते हैं, वेटिकन सिटी बनाने की बात करते हैं, तो कम से कम घोटाला तो ना, घोटाले जैसे शब्दों का जिक्र ना हो। अभी शुरू नहीं हुआ कि बंदरबांट शुरू हो गया, तो अभिमन्यु त्यागी साहब भी यही चाहते हैं, निरंजन पोद्दार साहब भी यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं। लेकिन अभिमन्यु त्यागी साहब, ये जो अखबार की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि 15-20 अधिकारियों ने खुद के साले जीजा चेला चिंटू को जमीन दिलवा दी, ये क्या हो रहा है भाई? जी अभिमन्यु जी, देखिए ये नियत की बात है। जी नमस्कार। देखिए नियत की बात है, जब नियत में ही खोट होगी तो क्या धर्म की बात हो, क्या चरित्र की बात हो, हमेशा आदमी मक्कारी करेगा, लालच देखेगा। जहां तक राम मंदिर में ये जमीन खरीदी जा रही है, ये आज से नहीं खरीदी जा रही, ये जब से राम मंदिर के लिए डिसीजन आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तब से राम मंदिर निर्माण के जो सचिव है चंपत राय, वो तक इसके पीछे लग गए, भागवत जी से लेकर अयोध्या के मेयर तक की जो जबान है वो एक गज लंबी हो गई, लाल टपक गई जमीन को देखकर, क्योंकि धर्म इनके लिए धंधा भी है। 2 करोड़ रुपए की जमीन 19 मिनट के अंतर पर 10 करोड़ रुपए की हो गई। ये जो चंदा इन्होंने इकट्ठा किया राम मंदिर के निर्माण के लिए, उससे महंगी जमीन इन्होंने 19-20 मिनट में बैनामा किया, तो ये तो काम किया राम मंदिर ट्रस्ट ने, एक ऐसी जमीन पे खरीद करी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रोक लगाई हुई थी कि वहां की जमीन खरीदी नहीं जा सकती ना बिक्री हो सकती है। अब बात करते हैं जो आपने सवाल किया। देखिए धर्म
और धंधा, ये चोली दामन का साथ है। जैसे अपराधी और नेता और पुलिस, उसमें सब लोग शामिल है, कहीं ना कहीं मीडिया भी शामिल है, मतलब माफी के साथ कहना चाहता हूं मैं। तो ये जो लोग जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, चाहे इसमें डीआईजी है, चाहे आईजी है, चाहे विधायक जी है अयोध्या के, चाहे मेयर है अयोध्या के, चाहे उनके भांजे हैं अयोध्या के, क्या किसी के जीजा है, साले है, बहनोई है, वो इस समय धंधे करने के लिए, धर्म के लिए नहीं, राम के लिए कोई आस्था नहीं कि वहां होटल बनेंगे, मोटल बनेंगे, स्पा सेंटर बनेंगे, तो वहां सुविधा देने के लिए, अय्याशी के लिए ये लोग वहां जमीन खरीद रहे हैं, धर्म को व्यापार बनाने के लिए इस सरकार की नाक के नीचे, जो आत्मुक्त सरकार है, जिसके लिए मोदी जी खुद कहते हैं आपदा में हमने तलाश, हर चीज महंगी करती है इन लोगों ने। ठीक है, अगले राउंड में आऊंगा आपके पास। ठीक है, अगले राउंड में आता हूं। आस्था का जो विषय है, ठीक है, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। आस्था को ये महंगा कर रहे हैं, कोई गरीब जन के मध्यम वर्ग के जाके भगवान के मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता है आज, इतने महंगे है, उसके टिकट लगा देंगे। ठीक है, वो तो आगे की बात है, टिकट लगाना ना लगाना। अब गौरव मिश्रा साहब आपके पास आऊंगा। गौरव मिश्रा साहब, राम मंदिर बनाने में आपका योगदान है, ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरीके से बात को रखा, ठीक है, सब ठीक है, आपने चंदे के लिए अभियान चलाया, सबने झोली भर भर के चंदा दिया, इसमें ना कांग्रेस पीछे थी ना सपा का कोई पीछे था, सबने सबने भर भर झोली चंदा दिया। इसके बाद आप मुझे अगर ये किसी भी तरीके से समझा सकें अगर कि कैसे बाबू ने, चपरासी ने, लेखपाल ने, पेशकार ने, डीआईजी ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी तक शामिल है, इन सब ने, पूर्व डीएम तक शामिल हैं, कमिश्नर तक शामिल हैं, मेयर तक शामिल हैं, सभी ने मिलकर सरकार की नाक के नीचे क्या कहूं, नाक में बैठकर, मतलब ये सब बंदरबांट चल रहा है, सब खेल चल रहा है। और अगर अफसर और अधिकारी और नेता, इन तीनों की जोड़ी एक साथ अगर घोटाले में कहीं लग जाएगी, बंदरबांट में लग जाएगी, तो क्या मैं कर सकूंगा, या क्या फिर हमारे अभिमन्यु त्यागी साहब कर सकेंगे, कौन क्या कर सकेगा? जब कोतवाल साहब ही डंडा लेके जाएंगे और कहेंगे कि जमीन हमारी है, डीआईजी साहब पीछे खड़े होकर कहेंगे कि हाँ हाँ, नेता भी कहेंगे हाँ हाँ, तो जो मुलजिम है अगर वही जज हैं, ये क्या है और ये क्यों है? संवेदनशील बात है ये बहुत। आपने सपना दिखाया वेटिकन सिटी का, आने वाले 10 सालों में आप बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी धर्म नगरी बना देंगे, और पूरी जनता का साथ है आपके साथ, हर पार्टी आपसे विचारों से इधर उधर हो सकती है, लेकिन सब आपके साथ हैं इसमें, भारत की आत्मा में बसते हैं राम। लेकिन जैसे जैसे राम मंदिर बनने की प्रक्रिया चल रही है, वैसे वैसे सौदेबाजी के जो खेल उजागर हो रहे हैं, ये दिल तोड़ते हैं लोगों का। जी गौरव जी, खेल कब तक चलता रहेगा? खुला खेल चलता तो इस विषय पर आज हम आप चर्चा करने नहीं बैठते। दूसरी बात, देश की जनता ने इस मुद्दे का साथ दिया, आज ये सफल हुआ ये मुद्दा। कांग्रेस और सपा की आत्मा में राम मंदिर नहीं बसता, पहले बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं आपको। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है, कौन खरीद रहा है वो भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन किस तरीके से खरीद रहा है, किस रुपए से खरीद रहा है, वो जांच के बाद जरूर पता चलेगा कि वो अपराध है या नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, आगरा एक्सप्रेसवे लखनऊ से आगरा तक पास हुआ समाजवादी पार्टी में, और रास्ते की सारी जमीनों को औने पौने दाम में समाजवादी के लोगों ने खरीद लिया, पास होने के पहले ही खरीद लिया, और उसमें बड़े पैमाने पर सरकारी पैसों का बंदरबांट किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अयोध्या में जमीन जो लोग खरीद रहे हैं उनकी जांच ना हो, उनकी जांच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं
जमीन, जब कोई उम्मीद किसी जमीन पर ज्यादा दिखाई देती है तो जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो प्रयास करते हैं, उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। यदि उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, कदाचार या माफिया जैसा कार्य देखने को मिलेगा, संगठित अपराध जैसा कार्य देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। और मीडिया के माध्यम से आपने इस विषय को उठाया है तो प्रशासन के संज्ञान में भी ये बातें आएंगी, और जिनके नाम से रजिस्ट्रियां हुई हैं, बनामा जिन लोगों ने कराया है, उनकी जांच होगी। अगर वो सही पाए जाएंगे तो ठीक है, गलत पाए जाएंगे तो उनके ऊपर दंड लगेगा, तो सीधी सी बात है। लेकिन इसको इस प्रकार से देखना कि नेता मिले हुए हैं, अधिकारी मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, ये उस तरह का ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ये विशुद्ध रूप से जमीन जो लोग परचेज कर रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं, जिनसे उनके तार जुड़े हुए हैं, यदि कोई आपत्ति आती है, कोई FIR होती है, उस पर जांच होगी, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्यवाही होगी। सरकार का वरदहस्त इस तरह के कामों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उम्मीद कोई न लगा करके रखे कि सरकार की सरपरस्ती में इस तरह के काम हो सकते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल खुलकर अच्छी बात कही आपने कि जमीन कोई भी खरीद सकता है, कोई भी स्वतंत्र है। ये बात मैंने भी कही कि जमीन कोई भी खरीद सकता है, हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक दलित महिला से 21 बीघा जमीन को जब नहीं खरीदा जा पा रहा था तो 21 बीघा जमीन को शाम दाम दंड भेद लगाकर एक ट्रस्ट के नाम करवा दिया। ट्रस्ट का नाम है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में 21 बीघा जमीन आती है, और यह 21 बीघा जमीन कौन लोग खरीदते हैं? तत्कालीन डीएम अनुज झा, उनके पिताजी खरीदते हैं। कमिश्नर MP अग्रवाल के ससुर जी खरीदते हैं। जो DIG अयोध्या रहे दीपक कुमार की पत्नी की बहन खरीदती हैं। मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता के साले साहब खरीदते हैं। रिटायर्ड IAS कुमाधर द्विवेदी साहब खरीदते हैं। पूर्व SDM अयोध्या आयुष चौधरी की चचेरी बहन खरीदती हैं। मेयर लेखपाल, कानूनगो पेशगार, इन सब के रिश्तेदार खरीदते हैं। थोड़ा सा तो झोल समझ में आता होगा कि जिन पर व्यवस्थाओं को सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने का जिनके ऊपर जिम्मा है, वो जिम्मे की सोच हटाकर खुद की व्यवस्था करने में लगे हैं, और सबने अपने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुछ कुछ बीघा जमीन लगवा दी। और अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, स्वतंत्र हैं, सब खरीदें, तो घपला तो है, झोल तो है कहीं। मैंने आपको पहले ही कहा, ये राजस्व का मामला है। किसी भी प्रकार से जो ताकतवर प्रभावशाली लोग होते हैं, जहां उम्मीद बेहतर होती है, फायदे की उम्मीद दिखाई देती है, वहां अपने प्रभाव का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल यही मैं बात कह रहा हूं, प्रभावशाली लोगों ने सर खरीद लिया। नहीं होता, हाँ, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सारे अपराधी हैं। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, राजस्व में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जाता है, और एक संगठित तरीके से भूमि को कब्जा करने का एक प्रयास दिखता है, तो निश्चित रूप से उस पर कंप्लेन होगी, उस पर कार्यवाही। ठीक है, भारतीय जनता काम कीजिएगा जरा, पहले निरंजन पोद्दार साहब का जो ऑडियो है उसको म्यूट कर दीजिएगा, थोड़े समझने वाला नहीं है। ठीक है, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। आपने कहा कि जो प्रभावशाली है वो जमीन खरीद सकता है, और वो खरीद रहा है अपने प्रभाव से। ठीक है, आपने इस बात को एक्सेप्ट की, ऐसा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, इस तरह के। आपने ये बात एक्सेप्ट की, अच्छी बात है। अब आप गंगा एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे आप बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इससे आर्थिक विकास होगा। जहां जहां से गंगा एक्सप्रेसवे निकलेगा, वहां वहां के लोगों का आर्थिक विकास होगा। वहां वहां के जो लोग हैं वो भी मन में ये सोचे बैठे हैं कि हमारे घर के बाहर से जब गंगा एक्सप्रेसवे निकलेगा तो उससे हमारा धंधा चलेगा। हम यहां होटल खोलेंगे तो व्यापार होगा, दुकान खोलेंगे तो चल जाएगी, रेस्टोरेंट खोलेंगे, ढाबा खोलेंगे, चलेगा। यहां हम सोसाइटी बना देंगे, बता देंगे हाईवे के बगल से है तो चलेगी। लेकिन आप जरा उनको खुलकर बता दीजिए, गौरव मिश्रा साहब, कि जो इंजीनियर वो बनवा रहा है हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे, और जो जो अधिकारी उस गंगा एक्सप्रेसवे की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, और जो जिन जिन जिलों से वो निकल रहा है, वहां वहां के जो DM हैं, सबसे पहला अधिकार उन लोगों का है उस गंगा एक्सप्रेसवे की आसपास की जमीन का। अब वो प्रभावशाली लोग हैं तो किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद से उस जमीन को तो खरीद ही लेंगे। तब भी आप कहेंगे कि अपराध थोड़ी ना है, प्रभावशाली लोग हैं, खरीद ली।
नहीं, आप दूसरी दिशा में बहस को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो कश्मीर में जाकर के भी आज के डेट में जमीन खरीद सकता हूं, केरल में भी जाकर के खरीद सकता हूं, महाराष्ट्र में भी खरीद सकता हूं, कोई भी इस देश का नागरिक है कहीं भी जमीन खरीद सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि गंगा एक्सप्रेसवे का आपने उदाहरण दिया, मैं समझ गया, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जमीन आप कहीं भी, थोड़ा सा जमीन खरीदने पे बहस नहीं, जमीन खरीदना मुद्दा नहीं है, स्पेसिफिक जमीन खरीदना मुद्दा है, स्पेसिफिक जमीन। मैं वही बात, अब आप कोई बहुत बड़ा नवनिर्माण करवाए कहीं पर, उसके आसपास की जमीन अगर आपके ही अधिकारी खरीद लें, आपके अधिकारी और नेताओं के चेले चिंटू खरीद लें, तो फिर जो आम नागरिक है उसके पास तो अधिकार नहीं है ना। देखिए गंगा एक्सप्रेस वे जहां जहां से निकलेगा वहां डीएम का साला घर जमीन खरीद लेगा, अगर वहां के विधायक के जीजा जमीन खरीद लेंगे तो फिर लोगों का विकास कहां होगा? आपको एक आपके चैनल पे मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं, पहले भी ये पब्लिक डोमेन में यह बात आई है, आगरा एक्सप्रेसवे की पूरी जमीन पहले ही खरीद ली गई थी औने पौने दाम में समाजवादियों के द्वारा। क्या आपने इसको घोटाले के रूप में देखा? अपने लोगों को खरीदवा दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उन्होंने ऐसा किया है तो इस सरकार में भी वैसा होगा। इस सरकार में बिल्कुल नहीं होगा, और उसी कारण समाजवादी पार्टी का कुनबा टूट गया, परिवार में फूट पड़ गई, उसी प्रोजेक्ट के कारण उनके यहाँ विवाद पैदा हुआ और मतभेद पैदा हुआ और परिवार अलग खंड खंड हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अन्य सरकार जो आए उस सरकार में भी वही खुला खेल मुरादाबादी चलता रहेगा, हमारी सरकार में बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, दूसरी एक सबसे बड़ी बात आती है कि यदि कोई एक्सप्रेसवे निकल रहा है या कोई बड़ा विकास कार्य हो रहा है, उसके अगल बगल की जमीनों का कीमत बढ़ता है, और क्षेत्रीय व्यक्ति, वहां का लोकल व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है वहां पे किसी भी प्रकार का विकास कार्य आगे बढ़ाने के, तो या तो उस जमीन को सस्टेन कर सकता है, रोक सकता है, या किसी को बेच सकता है, ज्यादा दामों में बेच सकता है, या उसकी इच्छा है जैसे चाहे वैसे बेचे, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक सेकंड के लिए, 10 सेकंड में मैं पूरी कर लूंगा। जो व्यक्ति खरीद रहा है वो व्यक्ति कौन है उसकी जांच होती है, यदि उस पर किसी प्रकार की अनियमितता है, कोई किसी प्रकार के अपराध में लिप्त है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन होता है तो उसकी जांच होती है, अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो हर प्रकार की कार्यवाही होगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो। ठीक है, हमारे पार्टी का ही क्यों ना हो उसके ऊपर भी कार्यवाही होगी। गौरव मिश्रा साहब, जांच और दंड से, जांच भी होगी दंड भी होगा ठीक है, लेकिन उससे ये बड़ा विषय है, आपको बता दूं कि योगी सरकार ने 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन में जांच करके बताइए क्या हो रहा है इधर, ठीक है, लेकिन ये कोई छोटी मोटी मठिया तो है नहीं अयोध्या, या राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है वहां पर, ये कोई छोटा मोटा मसला तो है नहीं। मसला ये है, आपने कहा कि कोई भी अगर जमीन बेचना चाहता है, कहीं पर कुछ हो रहा है, निर्माण चल रहा है, उसके आसपास अगर कोई जमीन बेचना चाहता है बेच लीजिए, जो खरीद रहा है खरीद सकता है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जांच हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज समझिए, एक दलित महिला, दलित का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत गरीब महिला है, दलित महिला है, पहले से ही पिछड़ी है, अब उनकी जमीन को एक ट्रस्ट के माध्यम से, सीधे नहीं खरीदा गया, एक ट्रस्ट के माध्यम से पहले उसको सस्टेन किया गया, अटेन किया गया, और फिर उस ट्रस्ट में जब वो 21 बीघा जमीन आ गई तो सबने 2 बीघा तुम्हारा साला रखे, 1 बीघा तुम्हारी साली रखे, 1 बीघा तुम्हारे चाचा रखे, ऐसे करके बांट दिया गया। मैं स्पष्ट कर देता हूँ नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, यदि जिसकी भी जमीन थी, चाहे वो दलित की हो, चाहे महिला की हो, चाहे किसी की भी जमीन हो, यदि फोर्सफुली उसकी जमीन ली जा रही है, किसी भी प्रकार से दबावपूर्ण तरीके से उसकी जमीन ले जा रही है, और यदि उसने कंप्लेन कर दिया, तो चाहे वो ट्रस्ट के नाम से हुई हो, चाहे वे व्यक्तिगत नाम से हुई हो, चाहे वो किसी कंपनी के नाम से ट्रांसफर हुई हो, उस पर आपत्ति हो जाएगी, उस पर जांच होगी, और अगर वो गलत पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी तय है होनी। ठीक है, चलिए कार्रवाई तय होगी, लेकिन गौरव मिश्रा साहब आप भी इस चीज को समझते होंगे कि कितनी किसकी सुनी जाती है, थाना चौकी में किसकी कितनी सुनी जाती है, ये आप भी समझते हैं और अच्छे ढंग से समझते होंगे। चलिए मैं निरंजन पोद्दार साहब के पास आऊंगा। निरंजन पोद्दार साहब, ये पूरा जो सिस्टम, पूरा जो मैटर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, इसका कोई चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, और मैं सीधे इस पर सरकार पर भी आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जिस तरीके से एक प्रशासनिक अमला जिसके ऊपर सरकार ये जिम्मेदारी सौंपती है कि आप इस काम को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से करवाइए, वो सरकारी अमला पूरा A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक, चपरासी तक, DIG साहब तक, DM साहब तक, राजस्व अधिकारी तक, अगर सबके सब
मिलकर इस तरीके की चीजों को अंजाम देंगे तो मतलब वो व्यवस्थाओं को नहीं देख रहे हैं, वो तो खुद की व्यवस्था को देख रहे हैं कि खुद की व्यवस्था कैसे की जाए। कैसे देखते हैं आप इसको निरंजन जी? देखिए ऐसा है कि ये हमारे समाज की, हमारे सिस्टम की और हमारी मशीनरी का ये आज से नहीं है, ये पिछले 70 साल से हमारा ये सिस्टम इसी तरीके से काम कर रहा है। आज ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर का नाम इन्वॉल्व है, यहाँ पे अयोध्या का नाम इन्वॉल्व है। अन्यथा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे भी जब भी कोई बड़ी परियोजना आती है, चाहे अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है, जिस दिन से यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट का लेआउट प्लान तैयार हुआ, जिस दिन से ये सैंक्शन हुआ, जिस दिन से घोषित हुआ, आप स्वयं जाकर के वहां पे अपनी विवेचना कीजिए, आपको पता चलेगा कि 3,000 3,500 रुपए गज में बिकने वाली जमीन आज वहां पे 12,000 रुपए गज में बिक रही है। और उसका जो केवल और केवल जो मामला है ये सामर्थ्य ही, सामर्थ्यशाली और सामर्थ्यहीन का मामला है। आपने अभी जो दलित महिला की बात बताई है, ये भी देखिए इसमें दलित और स्वर्ण का मामला नहीं है, इसमें सामर्थ्यहीन और सामर्थ्यवान का मामला है। अगर सामर्थ्यहीन अगर कोई स्वर्ण कास्ट भी है वो भी क्या करेगा, शुरुआत में पैसे का लालच देख करके अपनी जमीन देख करके निकल जाएगा। रही बात जो आपने कहा कि जैसे एक रूट बना करके जमीन खरीदी गई है, 21 बीघा जमीन ट्रस्ट के नाम की गई और ट्रस्ट के ट्रस्ट से आपस में बांट ली गई, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे कानून के जो छिद्र है, इन छिद्रों का ये लोग लाभ उठाते हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कहीं राम मंदिर ट्रस्ट का कोई फॉल्ट नहीं है, इसके अंदर सरकार का कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, इसके अंदर अगर हम बात करें इसके अंदर मशीनरी का मैन्युपुलेशन है, मशीनरी जो एग्जीक्यूटिंग मशीनरी जो है, जो कार्यकारी मशीनरी है। और मैं हर डिबेट में शुरू से बोलता आया हूं कि हमारी जो कार्यकारी मशीनरी है वो इतनी जड़वत हो चुकी है, उसके ऊपर इतना जंग लग चुका है, इतना उसको वायरस ग्रसित कर चुका है। और भाई साहब अगर हम पूर्व की बात करें तो ये तो जब गुड़गांव, जब यहाँ पे आईटी है, आईटी हाई सिटी बन रहा था, आईटी का हब बन रहा था, तो यहाँ पे तो जो सरकार में, यहाँ पे तो जो सरकार में शामिल थे लोग, मैं बात बताऊंगा जो 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 सरकार चलाने वाले लोग थे उनके जीजाजी यहाँ पे जमीन का घोटाला कर बैठे थे, यहाँ पे एग्रीकल्चर की जमीन लेते थे, उसका लैंड यूज अपने अपने जो उनका जो एक राजनीतिक ताकत थी उससे अपना राज्य, उससे अपना लैंड यूज चेंज कराते थे और 2 करोड़ की जमीन खरीद करके 100 करोड़ रुपए के अंदर बेचते थे। नहीं देखिए किसी सरकार पर आरोप नहीं, किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। अरे आप उनकी दुखती नब्ज को अगर दबा देंगे समस्या हो जाएगी, वो भी बोलेंगे। रुकिए आपका जो मुंह इसलिए खुल रहा है क्योंकि मैंने आपका नाम बताया, नहीं मैं आपके बीच में बोला। आपने जिस तरीके से आपने जिस तरीके से इसकी भरपूर जिस तरीके से जमीन खरीदी गई है, अभी बंदर बांट हुआ है, अभी प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, कहां कांग्रेस को आप टेंशन दे रहे हैं? दस सेकंड आप लोग यही कर लीजिए, 10 सेकंड का पूरा समय देता हूँ। सर्कस चल रहा है, कोई कंपटीशन चल रहा है क्या कि किसकी आवाज तेज है? कोई कंपटीशन चल रहा है क्या किसकी आवाज तेज है? क्या मजाक करते हैं आप लोग, ड्रामा का भी लिमिट होता है। अरे कोई कंपटीशन चल रहा है क्या कि किसकी आवाज तेज है? अरे धैर्य रखिए, कोई चंदू चाचा की चाय की दुकान पे थोड़ी ना बैठे हैं कि रुकिए देखिए कितने आराम से गौरव मिश्रा साहब अपनी चाय का सिप मार रहे हैं। ऐसे बैठिए, बातचीत करिए। चलिए ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, पोदार साहब आप भी जरा ठहरिए, पोदार साहब थोड़ा सा फुल स्टॉप, बी अ गुड लिसनर, थोड़ा सा रुकिए। अभिमन्यु त्यागी साहब
आप बिल्कुल पोदार साहब आप पर आ रहा हूं, बिल्कुल पोदार साहब आप पर आ रहा हूं। अभिमन्यु त्यागी साहब से सवाल ले लेता हूं। अभिमन्यु त्यागी साहब एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है आप कह लीजिए, एक बात कहना चाहता हूं खाली 10 सेकंड के अंदर, ठीक ठीक कही। मुझे इस चीज के ऊपर घोर आपत्ति है, करोड़ों सनातनियों का आस्था का केंद्र अयोध्या हमारा तीर्थ स्थल है और ये कहते हैं वहां पे अय्यासी के अड्डे खुलेंगे। नहीं वो शब्द ठीक नहीं है, वो शब्द ठीक नहीं है, नहीं वो शब्द ठीक नहीं है, नहीं नहीं वो शब्द ठीक नहीं है, उन शब्दों को ठीक है, उन शब्दों को ऑन द रिकॉर्ड से हटाया जाएगा, वो शब्द ठीक नहीं है। चर्चा पर रहिए, कहाँ जुबान का खर्चा कर रहे हैं, अरे चर्चा पर रहिए, कहाँ एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, रुकिए। दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, गौरव मिश्रा साहब पर आऊंगा। गौरव मिश्रा साहब वो कौन सी बटन है जो पैनल में दब जाती है, काहे अभिमन्यु साहब आप क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं? कोई नहीं, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। धर्म के ठेकेदार है क्या? आपने कितने पे ठान लिया यहाँ पर लाकर? नहीं ठीक, करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी जाएगी, वहाँ होटल बनेंगे, वहाँ क्या होगा? नहीं, जितना क्रोधित आप हैं उतना ही क्रोधित हर कोई है। ठीक है ठीक है भैया, ठीक है, अरे ठीक है पोदार साहब, ठीक है पोदार साहब, ठीक है, अरे रुकिए अभिमन्यु साहब, अभिमन्यु साहब ऐसे बहस थोड़ी ना हो पाएगी। अभिमन्यु साहब जरा ठहरिए, आराम आराम से बात करते हैं। अभिमन्यु साहब ये पोदार साहब का बस इतना कहना था कि जो आज हो रहा है दरअसल ये मशीनरी की दिक्कत है, ये सिस्टम की दिक्कत है और ये आज ही नहीं हो रहा है, ये वर्षों से होता रहा है, उनका कथन बस इतना था। और इसमें उन्होंने कांग्रेस को भी लपेट दिया, उनका कहना है कि कांग्रेस में भी यही होता था, आज भी यही हो रहा है। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्माण होता है तो उसके आसपास की जो जगह है वहां पर पहला जो हक होता है, गौरव मिश्रा साहब की अगर मैं बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर पेश करूं तो, प्रभावशाली लोगों का होता है। आप जब गुड़गांव हब बना रहे थे, आईटी हब बना रहे थे, तो वहां पर इनका कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा साहब ने खूब जमीन खरीदी। अब जेवर में जब शिलान्यास हुआ है एयरपोर्ट का, तो उसके आसपास की जो जमीनें हैं वो भी प्रभावशाली लोग खरीद रहे हैं। ऐसे में गौरव मिश्रा साहब ने एक ब्रेकिंग भी दी हमें कि आगरा जब एक्सप्रेस वे बन रहा था तब उसके आसपास की जो जमीनें थी वो सब समाजवादी लोगों ने खरीद ली। ठीक है, लेकिन क्या राम मंदिर जिसकी चर्चा पूरे विश्व पटल पर है, जिसको हम 10 साल के भीतर सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बनाने की बात करते हैं और हर नेता एक स्वर में करता है, हर नेता, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरएलडी हो, हर पार्टी करती है, लेकिन पीठ पीछे अगर आप यहां भी जहां आध्यात्मिक भाव जुड़ा है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, अगर वहां भी बंदर बांट ही करना है तो फिर ये ठीक नहीं है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, 500 वर्ष का संघर्ष था, जिन लोगों ने गोली खाई, जिन लोगों ने रात रात ठंड में गुजारी, जो लोग राम मंदिर के लिए लड़ते रहे, उन बूढ़ी आंखों से पूछिए कि जो आप राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं उनको कितना कष्ट होता होगा, उनको कितनी पीड़ा होती होगी कि आज भी यहां भी, मतलब सिस्टम ने यहां भी कुछ नहीं छोड़ा, सिस्टम ने यहां भी लूट खसोट जो थी उसको जारी रखा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है अभिमन्यु त्यागी साहब कि सीधे दोषारोपण सरकार पे मैं कर रहा हूं, सरकार की नाक के नीचे हुआ है, ये गलती सरकार की है, अब सरकार जांच करेगी, दंड देगी, जो भी है वो ठीक है, लेकिन ये उससे बड़ा मसला है, आपकी सरकार होती तो सिस्टम तो यही था ना, मशीनरी तो यही थी ना, तो ये चिंता का विषय है, इस विषय पर चर्चा है और बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस पर छोटे शब्दों का प्रयोग करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा, वाजिब होगा। मैं कुछ बोलूं क्या? जी त्यागी जी, त्यागी जी तो अपना गला बैठा लिए। देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और दलगत विचारधारा में, दलगत विचारधारा के दलदल में फंस करके ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे हमारी धार्मिक संस्थाएं अपमानित हो, कलंकित हो। मुझे लगता है उससे बचने की आवश्यकता है। यह एक प्रकार का मैनिपुलेशन है
और मैनिपुलेशन प्रायोजित नहीं है। पहली बात तो आपको स्पष्ट बता दें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी भी प्रकार के आर्थिक मैनिपुलेशन को इजाजत नहीं देगी, किसी भी प्रकार के आर्थिक अपराध को भी इजाजत नहीं देगी, आपको बता दें। और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विषय को उठाया है, अपने चैनल पर रखा है, और जब इस तरह के विषय मीडिया के माध्यम से आते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सारी बातें सूचनाएं सरकार तक पहुंच जाए, लेकिन जब मीडिया किसी विषय को उठाती है तो उस पर सरकार भी संज्ञान लेती है, प्रशासन शासन भी संज्ञान लेता है। और अगर इस तरह का वहां पे खुला खेल चल रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन जैसा संगठित रूप से इस प्रकार से जमीन को हथियाने और कब्जा करने और लोगों को पीड़ित करके जमीन को जबरियन ले लेने जैसा किसी प्रकार का अपराध अगर दिखाई दिया, तो मैं आपको भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक दिन सरकार के कार्यवाही पर भी आप बहस करेंगे, एक दिन आप सरकार के द्वारा लिए हुए निर्णयों और कदमों पर भी आपको बहस करना पड़ेगा। कोई बच नहीं सकता है गलत काम करके। रही बात खरीद और बेचे की, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत यदि कोई अपनी प्रॉपर्टी कम या ज्यादा में बेचता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर शिकायत कहीं से आती है तो उसकी जांच आएगी। और मीडिया पे जिस प्रकार से ये सब विषय उठ रहे हैं तो निश्चित रूप से संज्ञान में आया है, सरकार उसको संज्ञान में लेगी। ठीक है, इसमें ठीक है, किसी धार्मिक स्थल को अपशब्द बोलना और इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल करना कि अय्याशी का केंद्र, ये केंद्र, वो केंद्र, ये तो बहुत अपमानजनक बातें हैं, बहुत अपमानजनक बात है, इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। आपने देखिए गौरव मिश्रा साहब, समस्या कहाँ है, समस्या बताता हूँ आपको कहाँ है। समस्या यहाँ है कि आपने, ठीक है, आपने कहा कि सरकार संज्ञान लेगी, ठीक है, आपने कहा कि शासन जो है वो संज्ञान लेगा, ठीक है, आपने साथ में एक और बात कही कि प्रशासन संज्ञान लेगा। कौन सा प्रशासन संज्ञान लेगा जब पूरा प्रशासन ही लिप्त है, तो वो खुद का संज्ञान कैसे लेगा? प्रशासन राज्य से लेकर, उस जिले से लेकर केंद्र तक जाता है, उसके उसके रास्ते जो है लखनऊ से होते हुए दिल्ली तक जाते हैं। हर संस्थाओं का अपना एक दायरा है, उच्चतम दायरा है, तो नीचे का अधिकारी अगर नहीं लेगा तो ऊपर का अधिकारी लेगा, उसके ऊपर का अधिकारी लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी मिल बैठ करके गैंग बना कर संगठित तरीके से कार्य कर देगा। पुलिसिया तंत्र की बात करूं तो डीआईजी साहब तक का नाम है, और प्रशासनिक बात करूं तो डीएम साहब तक का नाम है। देखिए, मैं आपकी इस बात से राजस्व अधिकारी तक का नाम है। नहीं, आप जिस प्रकार से नाम ले रहे हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि वो दोषी हो गए। कोई डीआईजी का रिश्तेदार अगर जमीन ले रहा है तो डीआईजी अपराधी हो गया या वो लिप्त हो गया, उसका ये तात्पर्य नहीं होता है। देश में लाखों लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सेना में हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, ये चलता रहता है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अगर संगठित रूप से वहां पे ऐसा दिखाई देता है कि बाकायदे राजस्व का अपराध किया जा रहा है या किसी को डरा धमका करके लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर सरकार कार्यवाही करेगी। ठीक है, सरकार कार्रवाई, लेकिन ये पहले ही साबित कर देना कि नहीं, इन्होंने अपराध किया ही है बिना जांच के, साबित नहीं कर रहे, साबित नहीं कर रहे, अभी तो आरोप है, चर्चा कर रहे उस आरोप पर कि अगर ऐसी चीज निकलकर सामने आई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी चीज है तो नहीं होना चाहिए, मतलब, और इतना ही नहीं निकालेंगे। आपने इस विषय को उठाया है तो इस पर जांच होगी, निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में है, जांच होगी इसी पे। ठीक है, तो अभिमन्यु साहब, सिस्टम का जो भी झोल बोल है, जो भी है, अब हुआ सो हुआ, वो कह रहे हैं कि जांच होगी और जांच के बाद जो किया जाएगा, जो एक्शन होगा, उस पर फिर चर्चा करिएगा। देखिए, इसमें और आप जब बोलते हैं तो नैतिक रूप से आपको इसलिए चुप करा दिया जाता है। अभी जैसे पोदार साहब की आपकी गर्मा गर्म बहस भी हो गई कि वो कहते हैं कि पहले अपनी शर्ट में झांकिए, तो अब जब खुद के हाथ चमक साफ नहीं होंगे, खुद के हाथ चटक साफ नहीं होंगे, आप उसकी आग में जमीन का घोटाला करोगे। देखिए, राम जो है, मर्यादा का नाम है राम, कहाँ कहाँ दिया का नाम है राम, राम के नाम पर घोटाला करना, राम के नाम पर कोई डेटा नहीं है, व्यापार करना, राम के नाम पर धंधा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये आपका चरित्र हो सकता है,
भारतीय जनता पार्टी ने आपका चरित्र है, दूसरा है, आपका चरित्र है, आप कैसे कहीं दे रहे हैं हमको? आप गलत बात मत बोलिए, पांच साल से बात मत बोलिए, विपक्ष में है, काम हो सकता है कि मंदिर हम बनाए, आपका काम है, आपको 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 क्या दिक्कत है? आपका चरित्र है, खेती हम करेंगे, जमीन 10 करोड़ रुपए में खरीदी है, राम मंदिर देश में, आप अधिकारी की बात कर रहे हैं, मैं प्रवक्ता जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गौरव मिश्रा साहब सुन लीजिएगा थोड़ा, अभिमन्यु साहब बोलिए, अरे नहीं भैया, आप शब्दों की मर्यादा भी गिनवा रहे थे गौरव मिश्रा साहब, आप खुद ही शब्दों की मर्यादा तोड़ रहे हैं, आप शब्दों की मर्यादा पर अभी बात कर रहे थे, आप एक ही थाली के कट्टे बट्टे वाली बातें हैं, राम के नाम पर आप व्यापार कर रहे हो, छोटे डीलर बन चुके हो आप लोग, क्या चरित्र है? 2 करोड़ की जमीन 10 करोड़ रुपए में राम मंदिर कैसे खरीदी? कर लीजिए आप 10 सेकंड 15 सेकंड खूब कर लीजिए, कर लीजिए कर लीजिए, देखिए मिश्रा जी बोलने नहीं देंगे, सुनने नहीं बैठे आप, भैया हमें बोल, देखिए पूर्ण चैनल पर मिश्रा जी घर पे सत्ता में बैठे हो, सत्ता के साथ अहंकार भी आ जाता है, और अहंकार तो रावण को भी आया था, वो भी ब्राह्मण नहीं थे, और ये ऐसा अहंकार था, वो अहंकार तोड़ दिया, ठीक है ठीक है, हो गया आपका, हो गया आपका, आप बात हो रही है मंदिर पर, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया, बात हो रही है मंदिर पर, इसमें जिन्ना कहां से आ गया, बात हो रही है मंदिर पर, इसमें जिन्ना कहां से आ गया, ठीक है मंदिर के रोटी रोटी दिलाता है, तत्ता दिलाता है, 2 करोड़ रुपए की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट ने कैसे, देखिए ऐसा मत करिए, सुनिए मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा अभिमन्यु साहब, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसको आप डिरेल मत करिए, इसको जिन्ना इधर उधर पाकिस्तान हिंदुस्तान इसको ऐसे मत ले जाइए, उन सबसे ऊपर उठ के ये डिबेट है, उन सबसे ऊपर बहस चर्चा हो रही है कि आज भी वो मैकेनिज्म क्यों है, आज भी वो सिस्टम क्यों है कि घोटाले में देश की आत्मा तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, राम मंदिर बनाने की बात हो रही है, विश्व को दिखाने की बात हो रही है कि हम अयोध्या में वेटिकन सिटी बना देंगे, विश्व के लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं कि घूमने जाएंगे अयोध्या, देखेंगे कि धार्मिक नगरी आखिर है कैसी, कांग्रेस के भारत माता में देख ले आकर के, भारत माता को हम एक सबसे बड़ा आभूषण देने जा रहे हैं और उस आभूषण को देखने दुनिया भर से लोग आने वाले हैं, विश्व से, और वहां पर लूट खसोट की ऐसी खबरें आना दुख नहीं देती, पीड़ा नहीं देती, तो क्या देती है? पोदार साहब बताएंगे, अभिमन्यु साहब आप मंदिर में थोड़ा ठीक है, देख लेंगे, ठीक है पोदार साहब, मुझे सरकार से कोई समस्या नहीं, मैं सरकार या राजनीतिक बहस नहीं है ये, मुझे समस्या ये है कि हम विश्व के सामने जब ये बात रखते हैं कि हम राम का भव्य मंदिर निर्माण करवाने जा रहे हैं, हम वेटिकन सिटी बनाने जा रहे हैं, हम भारत माता को सबसे बड़ा आभूषण देने जा रहे हैं, इस देश की जो आत्मा है राम, अब उनका स्थाई एक पता, एक सौंदर्यपूर्ण सुंदर शानदार उनका घर बनाने जा रहे हैं, और ऐसे में आज भी सिस्टम मैकेनिज्म, आज भी लूट खसोट सौदेबाजी, मतलब राम को भी नहीं छोड़ा। बहुत बार इस बात को कह चुका हूं, अगर मैं निष्पक्ष होकर के बात करूं तो अगर क्या निष्पक्ष होकर ही बात करें, हिंदुस्तान का अगर हमारे हिंदुस्तान का जो यहाँ का प्रशासनिक ढांचा ऐसा है, यहाँ पे जो इलेक्टेड एक होती है इलेक्टेड सरकार, एक होती है सेलेक्टेड सरकार, जो इलेक्टेड सरकार है उसको आप और हम लोग चुन करके विधानसभा में भेजते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, एक होती है सेलेक्टेड सरकार, सेलेक्टेड सरकार वो है जो सिलेक्शन होकर के आती है, जो परीक्षा पास करके आती है, और वो अधिकारी या कर्म ये ब्यूरोक्रेट
कांग्रेसी या समझ लीजिए जो ये जो कार्यकारी मशीनरी है, ये सरकार इन सबको मिला करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक को मिला करके एक सरकार बनती है, और जो भी इलेक्टेड सरकार होती है उसके हाथ पांव नाक कान शरीर के जो वो केवल एक शरीर होता है और उसके जो अंग होती है वो ये कार्यकारी मशीनरी होती है, और ये कार्यकारी मशीनरी इतनी जड़वत हो चुकी है, इतना इसमें जंग लग चुका है। और मैं बहुत चैनलों पे बहुत डिबेट के अंदर, मैं जब आर्थिक विशेष के ऊपर भी बातचीत होती है, जब अर्थ के मामलों पे बातचीत होती है, मैं उस टाइम भी टीवी चैनलों पे ये बोलता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी नीयत पे मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो पिछले 7 साल के अंदर वो जो कार्य कर रहे हैं उन्होंने इस मशीनरी के दुरुस्तीकरण के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया। ठीक है, क्योंकि ये इसी पर तो सवाल है ओदार साहब, इसी पर तो सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 20 लाख करोड़ का ये बजट, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो सोनू खड़ा है, जो सुनील खड़ा है, जो शबनम खड़ी है, उसकी थाली में खाना जा रहा है क्या, उसका सिलेंडर पहुंच रहा है, ये भी तो जरूरी है कि जमीन तक चीज पहुंच रही है कि नहीं। हिंदू मुसलमान पर डिबेट कराने का कोई मतलब नहीं है, ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, सतही बातें करें तो ज्यादा बेहतर होगा। निश्चित रूप से देखिए, अगर सतही बात करेंगे हम लोग, अगर धरातल की बात करेंगे तो आज जो असमानता का जो आलम है वो बहुत ज्यादा है, और चाहे आप अयोध्या के अंदर जमीन की बंदर बांट की बात करें, चाहे जेवर के अंदर बात करें, चाहे गुड़गांव के अंदर बात करें, चाहे हम जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो सोलर पार्क के अंदर जो बंदर बांट हुई है उसकी बात करें, ये जो है ना, ये तो बीच में बोलना चालू कर देते, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, इनको क्या पीड़ा है, इनका जब नाक दबाया जाता है तो इनका मुंह क्यों खुल जाता है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। तो अभिमन्यु साहब सुन लीजिए पूरी बात को, सुन लीजिए फिर आप पर ही आ रहा हूं। अभिमन्यु साहब फिर आप पर ही आ रहा हूं। पोदार साहब को पूरा सुन लीजिए, अभिमन्यु जी करने लग गए हैं यहाँ पे। अभिमन्यु साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, पोदार साहब को सुन लीजिए, फिर आपका वक्त आएगा, अपने समय पर जवाब दीजिएगा। ठीक है पोदार साहब। हाँ, तो मैं निवेदन ये कर रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, ऐसा है कि पिछले 7 साल के अंदर कार्य मोदी जी ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के कुछ अन्य रास्ते जरूर ढूंढे हैं, चाहे वो डीबीटी योजना हो, चाहे वो आधार से लिंक करवाना हो, चाहे वो सीधा खातों के अंदर सब्सिडी के पैसे भेजना हो, उससे निश्चित रूप से सुधार हुआ है, अंतिम व्यक्ति तक कुछ ना कुछ लाभ पहुंचने लगा है। क्या काम किए हैं, क्या सुधार हुआ है, बातचीत नहीं कर रहे हैं हम, बातचीत ये कर रहे हैं कि सिस्टम ने हमारी आत्मा जो है, जिसमें हमारी आत्मा बसती है इस देश की, उस जगह को भी अगर नहीं छोड़ा, उस जगह पर भी अतिक्रमण कर दिया, ये किस लिहाज से देख रहे हैं आप, इसमें कौन गलत, किसको दोषी ठहराएं इसमें, जांच होगी। बिल्कुल सही बात है, गौरव साहब कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच तो हो रही है, योगी साहब ने ऑर्डर भी दे दिया है जांच के, जांच होगी, दोषी भी होंगे, आरोपी जो भी है, जो भी होता है वो होता रहेगा, लेकिन ऐसे आरोप लग ही क्यों रहे हैं, ऐसी बातें निकलकर सामने आ ही क्यों रही हैं, और ये बात किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कही है, समाजवादी पार्टी के किसी ने नहीं कही है, कांग्रेस से नहीं कही गई है, ये बात बकायदा एक देश के प्रतिष्ठित अखबार, एक बड़े अखबार ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बाद सामने रखी है, एक एक नाम सामने रखा है, डेट सामने रखी है, अमाउंट सामने रखा है। देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से इसके अंदर तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है, और इसके अंदर अगर हम दोषी माने तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले मिश्रा जी से एक सवाल किया था कि जांच करने वाली भी वही टीम है जो वास्तव में पहरेदार है वही चोर है, तो उस चोरी को पकड़ेगा कौन, तो यही मैं मशीनरी का फेलियर बता रहा हूँ, यही मैं मशीनरी के अंदर जो लगी हुई दीमक की बात कर रहा हूँ। और सरकारों को अगर इस देश का भला करना है तो निश्चित रूप से, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, इसके अंदर मशीनरी के ऊपर भी इनको अकाउंटेबिलिटी
तय करनी पड़ेगी, उनका भी एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा कि जैसे आपने कहा इतने इतने बड़े नाम जो डीएम है वो जिले का मालिक होता है, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। अगर वो भी उस बंदरबांट में शामिल होगा तो उसको देखेगा कौन, उसकी जांच कौन करेगा? ये कह रहे हैं उससे उच्च अधिकारी करेंगे, उससे उच्च अधिकारी भी अगर उसी बीमारी से ग्रसित मिले तो फिर कहां जाएगा ये समाज? बिल्कुल, मेरा यही निवेदन है। ठीक है, अब वही बात कह रहे हैं कि थाने में जाकर अगर मैं दीवान से कहूं और दीवान का नाम है अशोक और मैं उन्हीं से कहूं कि अशोक के खिलाफ ही मुकदमा लिख दो, तो खुद ही के हाथों से खुद ही का नाम कैसे लिखा जाएगा? चलिए ठीक है, अभिमन्यु त्यागी साहब आप पे आता हूं। अभिमन्यु त्यागी साहब बड़ा खुल के बताइएगा, खुश हैं? देखिए हमारी 5 मिनट नहीं, एक बात बताइएगा, खुश हैं? देखा अगर खुश तो तब होते जब इस राम निर्माण मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको बैठे बिठाए मीडिया संस्थान जिस पर आप आरोप लगाते हैं, मीडिया के खिलाफ जिस पर आप लगातार हर दिन रोज आरोप लगाते रहते हैं, भर भर कर गाली देते हैं मीडिया को, और वही मीडिया अगर आपके सामने भगोने में भर के पकी पकाई खीर परोस रहा है तो उसे लपकने में भी पीछे नहीं हटते और खीर खा के फिर मीडिया को गाली देते हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि खुश हैं? विपक्ष ने नहीं ये खुलासा किया है, विपक्ष ने कुछ नहीं किया है, विपक्ष सुस्त है, विपक्ष सो रहा है और विपक्ष को मीडिया संस्थान बता रहा है कि देखिए बीजेपी को इस मामले में घेरिए, आप कहिए धन्यवाद मीडिया का। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी 2 मिनट बात सुन लीजिए। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। अब हम हमारे मन में संशय है, कांग्रेस पार्टी के मन में संशय है, जो जांच योगी जी ने दी है वो जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को दिया है, क्या जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी मेयर को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसमें बात यह कि योगी जी मौन क्यों धारण किए हुए हैं? राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सचिव दंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा, और क्या वो दोषी पाए जाने पर कार्रवाई कर पाएंगे? क्या जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो उसका बंदरबांट हुआ 2 करोड़ रुपए की जमीन उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए की खरीदी है, तो क्या ये चल नहीं है आम जनता के साथ? ये हमारे सवाल है। अब इसमें 1 घंटे में डिबेट कर लेंगे क्या, 2 घंटे में कर लेंगे? चलिए ठीक है, आपके सवाल भी वाजिब है गौरव मिश्रा साहब। नहीं, आपको हर समय मिलेगा, आप एक बड़ी पार्टी है अभिमन्यु साहब, आपके भर भर के प्रवक्ता है, आपको कौन नहीं बोलने देगा? चलिए ठीक है, गौरव मिश्रा साहब। देखिए समस्या पर चर्चा हो गई, समाधान क्या है? मुझे लगता है, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली बात, राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को नैतिक रूप से बोलने का और उसमें शामिल होने का कोई हक ही नहीं है। एक ने सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं है और दूसरे ने राम भक्तों पर गोली ही चलवा दी और सबसे ज्यादा जांच एजेंसी लेकर के बैठे हैं यही दोनों कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें क्या चित्रान्वेषण किया जाए। तो इनके जी में सिवाय डिस्ट्रक्टिव राजनीति के और कुछ है नहीं। जब वैक्सीन आती है तो वैक्सीन के खिलाफ ये लामबंद हो जाते हैं, लोगों के जीवन के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, वल्चर पॉलिटिक्स के ये माहिर हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से हम कोई उम्मीद नहीं करते। हाँ, विषय जो है वो महत्वपूर्ण है, हम विषय को महत्व देते हैं और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता हो रही है तो वो रुकनी चाहिए और सरकार के संज्ञान में जिस भी माध्यम से, चाहे वो शिकायत के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये विषय आए हैं, तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली सरकार नहीं है, इसमें लोग जेलों में दिखाई देंगे। ठीक है गौरव मिश्रा साहब, आपके आश्वासन को गौरव मिश्रा साहब, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, ठीक है गौरव मिश्रा साहब, आपके आश्वासन हो सबसे ज्यादा, गौरव मिश्रा साहब आपके आश्वासन को मैं स्वीकार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द इस पर जांच होगी और जो भी दोषी है चाहे वो किस लेवल का अधिकारी हो, कितना बड़ा भी अधिकारी हो, उसको उसकी सजा बन रही है उतना दंड तो मिलना ही चाहिए और जरूर मिलना चाहिए। आप तीनों ने बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिए, हर सवाल के जवाब रखे आपने, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय की कमी के कारण आज माफी चाहूंगा पोद्दार साहब, अगली दफा आपसे मिलूंगा तो खुलकर बातचीत करूंगा।
तो ऐसे में आज हम चर्चा कर रहे थे अयोध्या में जिस तरीके से जमीन का बंदर बांट हुआ, ये एक बड़ा विषय है, संवेदनशील विषय है, इसलिए आज इसको चर्चा रखी गई, इस पर इसलिए आज इसको मंच दिया गया। मंच पर हमारे साथ मेहमान जुड़े, सभी ने बताया कि क्या है क्या नहीं है, आरोप प्रत्यारोप भी जैसे नेताओं की आदत है वो सब ठीक है, लेकिन अगर हम एक तरफ वेटिकन सिटी की बात करेंगे, विश्व को ये बताएंगे कि आइए धार्मिक नगरी यहां बन रही है, भारत माता को सबसे बड़ा आभूषण हम देने जा रहे हैं, ऐसे में अगर इस तरीके का अतिक्रमण खुद जो लोग व्यवस्था के लिए बैठे हैं अपनी व्यवस्था करने लगेंगे तो यह सब ठीक नहीं है, ना उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है, ना राष्ट्र के लिए ठीक है, यह किसी के लिए ठीक नहीं है। आप सभी का शुक्रिया।